जींद दे राजे गजबत सिंह दे घर लड़की जमी। रवाज के मुताबक दाइया ने सलाह करके फटाफट कुजे च पा दी। कुजे च पा के टोआ पट के दब आए, आपे मर जाएगी। पर जिसका साहिब डाढ़ा होए जिसनों मार ना सके। ब्रह्म ज्ञानी बाबा गुदड़ सिंह जी होए ने, उन्होंने दसवें पातशाह के समय के दर्शन किए। हर वेले सुखमणी साहब का पाठ करी जाना, नाम जपी जाना, बाणी पढ़ी जानी, सेवा करी जानी। उन्होंने महापुरशों को त्रिकाल सोझी होंदी है, सब ज्ञान होंदा। वो दौड़े आए, राजा महलों च बैठा सी, बाहों फड़ के कहन लगे, ओए मलेशा, वो आंदा ते गुरु का सिख है, काम मलेशा वाले करदा, चल। वो कुड़ी नूं जिथे दबिया सी ना, उत्थों जा के टोआ पट्टिया ते फटाफट कुड़ी कढारी। अजे थोड़े मिनट ही होए सी दबिया नूं, कुजे विच जीउंदी अंगूठा चुंघदी पई है। पर प्रभ भाव है बिन सास ते रख है, परमेश्वर की मर्जी है, बिना सुवासा दे बचा लैंदा। सास संगत जी लड़की जदों बाहर कढ़ी ना, बाबा गुदड़ सिंह जी हाथ ते लै के कहन लगे, कहिंदे इहनू मार दिओ, इहदे पेट तों, इहदी कुख तों तां पंजाब दा महाराजा शेरे पंजाब पैदा होवेगा। वो लड़की जवान होई, सरदार मां सिंह सूकर चक्कीए नाल व्याही गई। उहदे पेट तों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा जन्म होया। महाराज कहिंदे, सो क्यों मंदा आखीऐ, जित जम्मै राजान, धियां मारन वालिओ गुरबाणी दे इस हुक्म नूं समझो।